दिल्ली के स्कूलों में बड़े घोटाले का खुलासा। विजिलेंस जांच में 1300 करोड़ की हेरफेर का जिक्र। जांच की सिफारिश। बीजेपी ने कहा भ्रष्टाचार की कट्टर गारंटी है। केजरीवाल, गब्बर और बब्बर चुप क्यों। सिसोदिया ने कहा विजिलेंस रिपोर्ट बीजेपी दफ्तर में लिखी जाती है। आप नेता संदीप भारद्वाज की खुदकुशी पर सियासत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जांच की मांग की। कहा वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। एमसीडी टिकट न मिलने से गई जान। सिसोदिया ने दिया जवाब मौत को टिकट से जोड़ना गलत। राजस्थान कांग्रेस में कलह जारी। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को कहा गद्दार। पायलट बोले गहलोत जैसा नेता के मुंह से इस तरह के बयान शोभा नहीं देते। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का आज भी होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। कल 9 घंटे में 40 सवालों की हुई पौछार। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर। सहयोग नहीं कर रहा है आफताब। सवालों के जवाब से बचने की कर रहा है कोशिश। राजस्थान के भीलवाड़ा में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने जिला अस्पताल में की तोड़फोड़। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। 48 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद किया गया। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित भागीरथ पैलेस में भीषण आग। 10 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 100 से ज्यादा दुकानों में लगी है आग। करोड़ों का सामान जलकर खाक।